आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जो चलती तो पटरियों पर है, लेकिन वो ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता पूरा हॉस्पिटल है। इस ट्रेन को इंडियन रेलवे चलाती है। इसमें ऐसी सुविधाएं हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं मिलती। ट्रेन में हाईटेक ऑपरेशन थिएटर और ICU तक है। बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन में गरीबों को सारी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। रेल की पटरियों पर दौड़ती ये ट्रेन यूं तो बाहर से एक आम ट्रेन की तरह है, लेकिन जब इसके अंदर का नजारा देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस ट्रेन में पैसेंजर नहीं बल्कि पेशेंट बैठे नजर आएंगे और उनका इलाज होता दिखेगा। ये ट्रेन चलता फिरता हॉस्पिटल है। नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। मंगलवार को ये जीवन रेखा एक्सप्रेस सिंधुदुर्ग स्टेशन से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। सिंधुदुर्ग स्टेशन जब इंडिया टीवी की टीम पहुंची तो अंदर के कोच में एक बच्चे का ऑपरेशन हो रहा था। बच्चा इक्वाइनस डिफॉर्मिटी एंकल की थी, तो पैरों पे नहीं चल पाता था, टोज पे चलता था। तो अभी ऑपरेशन करके आप देख रहे हो कि उसका जो पैर है अभी 90 डिग्री पे आ गया है, तो अभी ये पैर पे चल पाएगा। तो इसको बाद में भी फिजियोथेरेपी और स्प्लिंट्स लगेंगे। लाइफलाइन एक्सप्रेस में कुल 7 कोच हैं। पहला कोच पावर कोच है, जहां से बिजली के बैकअप का इंतजाम है। दूसरे कोच में स्टरलाइजेशन कोच है, जहां सर्जरी के सामान को साफ किया जाता है। और तीसरे कोच में रिकवरी एरिया, माइक्रो सेंटर और ऑपरेशन थिएटर है। चौथे कोच में रिकवरी बेड्स हैं और दूसरा ऑपरेशन थिएटर है। इस ट्रेन का अपना मेडिकल स्टोर भी है। इसमें ऑपरेशन थिएटर है, डेंटल सर्जरी की जाती है, हम आय का पूरा किया जाता है, यानी सभी आपके शरीर में जो भी आपको कोई दिक्कत हो सकती है हर चीज़ के ऊपर इलाज करने की क्षमता इसमें है। मतलब लाइफलाइन एक्सप्रेस के जो अलग अलग बॉगी हैं उन्हें अलग अलग सेक्टर का क्लीन का रूप दिया गया है। 6-7 कंपार्टमेंट, हर कंपार्टमेंट अलग अलग स्पेशलाइजेशन की काम करता है। डॉक्टर भी रहते हैं, नर्सिस भी रहते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ होता है। और हम लोग ये करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पर भी ये सेवा दी जाएगी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ टाइप करते हैं, तो वहाँ का भी लोकल सपोर्ट मिल जाता है। यानी एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है कि लोकल सपोर्ट, अच्छे 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 इलाज कम खर्चे में, करीबन बहुत सारे लोगों को तो मुफ्त ही किया जाता है, ऐसी एक सेवा दी जाए। लाइफलाइन एक्सप्रेस में 70 से ज्यादा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की टीम है। ये ट्रेन एक साल में 12 कस्बों और छोटे शहरों के रेलवे स्टेशन पर रुक सकती है। हर स्टेशन पर 21 से 25 दिन तक मेडिकल कैंप लगाया जाता है। आसपास के वो गरीब बीमार लोग जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनका इलाज किया जाता है। जरूरत पड़ने पर ट्रेन के अंदर बने ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन भी किया जाता है। ऑपरेशन आते हैं, कैटरेक्ट के ऑपरेशन जैसे मोतियाबिंदु कहा जाता है, फिर प्लास्टिक सर्जरी, फिर एपिलेप्सी ट्रीटमेंट, फिर उसके अलावा ऑर्थोपेडिक करेक्टिव सर्जरीज, और दूसरा है कि ENT मिडिल ईयर सर्जरीज जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा डेंटल ट्रीटमेंट, फिर उसके अलावा उसके बाद में एपिलेप्सी ट्रीटमेंट, कैंसर का जो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली, उसमें सर्वाइकल, ओरल और ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और इनिशियल स्टेज ट्रीटमेंट, ये सारा हमने प्लान किया है। सिंधुदुर्ग स्टेशन पर जब ये ट्रेन ठहरी तो वहाँ कुछ इस तरह से इलाज कराने वालों की भीड़ जुटी। ये लोग इलाज कराने पहुंचे थे। सबके चेहरे पर इस चलते फिरते हॉस्पिटल को देखकर खुशी छलक रही थी। डॉक्टर को दिखाया था मैंने, तब चेक किया तो ऑपरेशन के लिए बोले थे वही टाइम पे, लेकिन खर्चा ज्यादा बोल रहे थे, 40,000 बोल रहे थे, इसलिए हमने वो टाल दिया, छोड़ दिया बात। फिर वापस ये हमको मालूम पड़ा कि लाइफलाइन ट्रेन का जो है, इसलिए हम कल चेक के लिए आए थे, चेकिंग करने के लिए। बाद में चेकिंग करके हमको रिपोर्ट भेज के अभी आज भेजे है, आज ऑपरेशन होने वाला है। मेरे कान का पर्दे में वो छोटा सा होल पड़ा है जो उसको ठीक करना है, इसलिए पानी बहता है।
खास बात ये कि इस ट्रेन में ऐसी मशीनें लगी हैं जिससे गंभीर बीमारी भी आसानी से डिटेक्ट हो जाती है। डॉक्टर्स की टीम शुरुआती स्टेज में ही कैंसर का पता लगाने की भी कोशिश करती है। जिन लोगों को आइडिया भी नहीं है कि उनको कैंसर है, उनका चेकअप करते हैं ताकि उनका फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए। हमारा टारगेट होता है कि ऑलमोस्ट जितने तंबाकू के जो भी लोग यूजर्स हैं, जो टबैको के कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है, उसको यहाँ बुलाया जाए। हम उनका चेकअप करते हैं, पहले मुंह खुलवा के चेकअप करते हैं। अगर हमें कोई भी सस्पेक्टेड लीजन दिखता है, ऐसा लगता है कि इसका कैंसर से कुछ ताल्लुकात है, मतलब प्री कैंसरस लीजन जिसको कहते हैं, तो उनकी बायोप्सी ली जाती है। लाइफलाइन एक्सप्रेस की शुरुआत 16 जुलाई 1991 को इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ हुई। 26 सालों में 21 राज्यों में इस ट्रेन में 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। 1,35,000 लोगों की सर्जरी भी ट्रेन के ऑपरेशन थिएटर में हो चुकी है। सिंधुदुर्ग से इंडिया टीवी के लिए अश्वनी कुमार पांडे की रिपोर्ट।